हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग एच डी यादव की बुक से अगला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जो है वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, देखिए वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियाँ होती हैं, ठीक है, एक होती है गुणनखंड विधि होती है, जिसे हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और एक भाग विधि होती है, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। बट एक हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी देंगे, ठीक है, जो जो बहुत यूज़फुल होगी। जी हाँ, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, और इस शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस आधार पर होते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन है अध्याय, जैसे कि वर्गमूल और घनमूल के जो क्वेश्चन हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके 10 प्रकार से बांटे गए हैं एच डी यादव बुक में। जैसे कि सबसे पहला है साधारण प्रश्न, दूसरा है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, तीसरा है जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, फिर आपका वर्गमूल और भिन्नात्मक प्रश्न। जी हाँ बच्चों, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है, फिर आगे गुणा भाग, वर्गमूल पर इवार्ती प्रश्न, वर्गों के योग और अंतर पर, घनों के योग अंतर पर, वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के साथ तैयारी करेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में सबसे पहला पार्ट, जैसे कि हमने आपसे चर्चा की थी कि साधारण प्रश्न, ठीक है, तो देखिए साधारण प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे 0.81 है ना, हुआ है 0.81, ठीक है, आप इस पे वर्गमूल का साइन लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा 81/100। ठीक है, यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा हम लोगों का 0.9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसे थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट में करना है, आपको पता है यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो इसका वर्गमूल 10 आएगा, और इसका 81 का 81 और बटे में 100 आएगा, उसका 10 आएगा। ऐसे देखिए, देखिए यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो नीचे आपका 100 आएगा। ठीक है, नीचे आपका 100 आ गया। उसके बाद ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आपका क्या बचेगा, 25, तो 25 का वर्गमूल आपका आएगा 5, तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा 0.05। ठीक है, समझ गए होगे। अब इसे देखो, हमने जोड़ा बनाया 2 अंकों का, और इसके इसमें भी आपका बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखिए ये आपका 11 का होता है, तो आप देख सकते हैं 11/100 हो जाएगा, और यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो 0.11। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 3 जीरो आएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ऊपर आपका 441। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जब हम लोग लेंगे तो इसका 21 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा, इसका तो वर्गमूल ही आ चुका है, ये 1000, ये हम लेंगे नहीं, ये तो 1000 ये आपका हो गया, तो 0.021 ऐसे करके आपके आंसर आ रहे हैं। तो आप आंसर शीट से मैच करा लीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं घनमूल की। तो देखिए घनमूल की बात करें तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे घनमूल लगाया। अब घनमूल की पहचान क्या है कि यहाँ पे पावर 3 होती है, और वर्गमूल पे पावर 2 होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, पॉइंट हटाएंगे, अब 3 जीरो आएंगे, तो देखिए 27 का 3 होता है और इसका 10 होता है, तो यहाँ से कटने के बाद आ जाएगा 0.3। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं, आप इस पे लगाएंगे घनमूल, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 1000 आएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 11 और नीचे आपका हो जाएगा 10, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1.1। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के आंसर्स निकाल पाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनमें एक दो क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला हम लोगों का पार्ट है वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। इसमें क्या होता है, आपको बता रखा है कि 841 का वर्गमूल 29 है, तो आपको इनमें आंसर देना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तरीका क्या होता है, ऐसे इसका पॉइंट हटाइए, बटे में 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाइए, बटे में 4 जीरो आ जाएंगी, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो देखो आपकी बटे में आ जाएंगी 6 जीरो। ठीक है, कितनी जीरो, 6 जीरो। अब आपको पता है ये जो स्क्वायर होता है कितने का बता रखा है, 29 का होता है, तो ऊपर से 29 आ जाएगा, नीचे से आपका 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका ये 29 आएगा, और नीचे से आपका फिर 100 आएगा, और ऊपर से फिर 29 आएगा, नीचे से आपका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 1000। ठीक
ठीक है, कितना आएगा 1000। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 2.9 करेंगे क्योंकि आप 10 का भाग देंगे, देखिए 10 का भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.29, और यहाँ पर भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.029। ठीक है, इस तरीके से करने के ये भी तरीके हैं, आप 2.9 लिख लीजिए, फिर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए इस तरीके से, फिर आप 0.029 लिख लीजिए इस तरीके से, और देखिए आपका 9 नौ दो 11 की एक हासिल एक, ये आपका नौ दो 11 और एक 12 की दो, और ये आपका 3 यानी 3.219, इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आप उसी तरीके से अपॉन में जीरो करके, जैसे आपने पॉइंट हटाया तो आपका ये 100 हो जाएगा, फिर आप पॉइंट हटाएंगे तो इस तरीके से आपका ये 1000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी जीरो लगेंगी, 3 और 3 6 लगेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, ठीक है, यानी कि तीसरा पैटर्न है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है आपका 256, ठीक है, और नीचे आपका अंडर रूट एक्स है, और ये आपका आगे आ जाएगा 1/3। देखो अगर आप इसका वर्गमूल नहीं जानते हैं तो आपको बताया था आप गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर निकालेंगे 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर निकालेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर आप निकालेंगे 2 से ये 16 बार हो जाएगा, 2 से ये 8 बार हो जाएगा, 2 से ये 4 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार। आप देखो जोड़ा बना लेंगे, जैसे एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गए, 3 और 4, तो आप देख सकते हैं कि दो दो के 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4, ये देखिए 4 जोड़े बन गए, नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स, ऊपर हो जाएगा 1/3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, अंडर रूट एक्स बराबर ये देखिए गुणा हो जाएगा 16 * 3 = 48। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 48 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं जब आप वर्ग वर्गमूल हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे वर्ग आता है, और देखिए 48 का वर्ग, आपको बता दें अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आप हमारी वर्ग की एक वीडियो पड़ी हुई है आप उसको देख सकते हैं, हमने वर्ग निकालना सिखाया है कि जैसे 48 है तो 50 से कितना कम है 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 0 4। अब 48 से 2 घटा दीजिए, सॉरी 25 से 2 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 23, तो आपका आंसर आएगा 23 04। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 23 04, समझ गए होंगे। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्स को तो आप अंदर ही रहने दीजिएगा, और इसका वर्गमूल आप जानते हैं 12 होता है, और ये देखिए 5/12 हो गया, 12 से 12 कट गया, एक्स ये आपका 5 आ जाएगा, जब आप वर्गमूल हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे बटे में आपका 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल आप जानते हैं, ये देखिए 324 18 का होता है, तो आप इसे 18, और नीचे ये आपका 10 आ जाएगा, बराबर में ये 50 आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 * x/18, और बराबर में ये 50 आ जाएगा, ये 0 कटने के बाद 18 * 5 = 90, ये देखिए आपका 90 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आपको फोर्थ भी लगा लेना है और अपने आंसर शीट से चेक कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला कंसेप्ट है हम लोगों का 4 है, वर्गमूल पर भिन्नात्मक। अब देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जैसे देखिए दशमलव के बाद 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आप हटा दीजिए, इनमें सेम लॉजिक आएगा। 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आपका ये तो 13 आएगा वर्गमूल, और ये आपका 10 बचेगा, और नीचे से ये 12 हो जाएगा, 12 * 2 = 24, 2 * 5 = 10, तो यहाँ से आपका आएगा 13/5, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में केवल आपको कंसेप्ट सीखना है, और कंसेप्ट सीखने के बाद आप आगे बढ़िएगा। देखिए ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोड़ घटाव पर आधारित। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको दो विधियाँ बताई गई थी, एक विधि बताई गई थी गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी विधि बताई गई थी भाग विधि, और तीसरी मैंने कहा था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जब आपके लेंथी क्वेश्चन आएंगे तब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड विधि का उपयोग कहाँ है, भाग विधि का उपयोग कहाँ है, इसकी चर्चा करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 5732 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए जब भी जोड़ने या घटाने की बात आएगी तो आपको भाग विधि लगानी है। ठीक है,
और जब बात गुणा करने की आएगी तो आपको गुणनखंड विधि लगानी है। ये बहुत बड़ी बात बता दी है मैंने, बहुत अच्छी बात बता दी है, तो आपको इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो भाग विधि क्या होती है उसको समझ लेते हैं। देखिए 5 7 3 2 भाग विधि से करने के लिए हमें पेयर बनाने पड़ते हैं। राइट हैंड साइड से हम दो दो के पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाने के बाद हम लोग इसमें चेक करते हैं कि जैसे सबसे पहला जो पेयर है हम लोगों का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि 57 में किसका स्क्वायर सेटिस्फाई हो सकता है। समझ रहे होंगे आप, 57 में किसका स्क्वायर सेटिस्फाई हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ, है ना, और यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ये आंसर होता है। देखिए 7 7 49 कर दिया आपने। अब आपको पता है कि यहाँ से आपको 8 बचेगा, ठीक है, और ये ऐड कर देते हैं, 7 7 आपका हो जाता है 14, ठीक है। ऊपर से पेयर के साथ उतारा ले लेते हैं, यानी पेयर के साथ नीचे लिख लेते हैं। अब आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिसके मल्टीप्लाई करने से ये 832 हो जाए। अब आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे सपोज दैट 6 लेते हैं, सोचने वाली बात है। देखो 6 6 36 हासिल होगी 3, 6 4 24, 24 और 3 आप मिलाते हैं तो आपका होता है 27, कैरी 2, 6 कम 6 और 2 8। अब आप देख सकते हैं ये 876 हो गया, जबकि हमारी नंबर कितनी, 832। 832 की बजाय अगर 876 होता तो कट जाता, तो हम क्या करेंगे, 876 में से 832 माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पर 3 मिलेगा, यानी कि 34। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि 34 यदि इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, 76 की, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, समझ गए। इसलिए यहाँ पर 34 ऐड करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम लोग भाग विधि से। अब इन्होंने बोला है इसमें क्या घटाया जाए, तो ऐसा ही इसमें भाग विधि से करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन ये है, 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या बताओ क्या होती है, 9999, और छोटी से छोटी होती है आपकी 1000। अब इन्होंने छोटी छोटी पूछी है इसलिए आप क्या करेंगे, 1000 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आपको पता भी है कि 1024 एक ऐसी संख्या होती है जो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरीके से बात करें, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या होती है, तो देखिए 961 के बाद अगली होती है 1024। ये 4 अंकों में आती है, ये 3 अंकों में आती है, ये होती है 31 का स्क्वायर, ये होती है आपका 32 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या, तो देखिए 961 है। तो इस तरीके से आप इनके आंसर समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गुणनखंड विधि कब प्रयोग में लाते हैं और भाग विधि। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, जब बात गुणा करने की होगी तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 162 है, अब आप इसमें 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से भाग देंगे, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से भाग देंगे, 3 निम 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 3। अब इसमें जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। देखो इसमें एक जोड़ा ये कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक दो और होता तो जोड़ा कंप्लीट हो जाता, तो एक दो नहीं है, इसलिए वो दो कब आएगा, जब उसका मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप अगर 162 में 2 से गुणा कर दोगे तो जो संख्या आपको मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, और वो 324 यानी 18 का वर्ग हो जाएगी, समझ गए। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि किससे गुणा किया जाए। तो आप इन सबके गुणनखंड करिएगा और सबके आंसर स्वयं निकालिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हम लोगों का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल की बात करें तो देखो वर्गमूल पर इवार्ती प्रश्न, इसमें क्या होता है, प्रश्न दे रखा है 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में विभक्त किया जाता है जितनी पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, 324 का वर्गमूल लेना चाहिए। अब देखिए, अब हमारी ट्रिक की बात आ रही है। पहली बात तो ये कि 324 का वर्ग सभी को याद होता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ट्रिक सीख लेंगे तो बेस्ट होगा। देखो हमारी ट्रिक काम करती है कि राइट हैंड साइड से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। इकाई का अंक 4 है, तो हम 4 के लिए या तो 2 सेलेक्ट करेंगे या 8 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 के वर्ग में 4 आता है, 8 के वर्ग में आता है। अब देखेंगे ये 8 में किसका क्यूब सेटिस्फाई हो सकता है। देखो आप, 1 का स्क्वायर सेटिस्फाई हो सकता है, स्क्वायर सेटिस्फाई करते हैं कि 3 में किसका स्क्वायर सेटिस्फाई हो सकता है, 1 का। तो देखो ये 12 हो गया और 18 हो गया। अब आप सेंस लगा सकते हो
तीन का मल्टीप्लाई चार में करो, 3 चौके 12, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 1 दूना 2, 3 है ना, 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 18 आंसर सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो मैं अगले क्वेश्चन पे देखो सेटिस्फाई करके बताता हूँ। जैसे 484 है, आपने ना इसका वर्गमूल लेना है, पहले तो जोड़ा बना लेना है, 4 किस में आता है 2 और 8 में। अब जो बच्ची की संख्या उसमें देखो किसका स्क्वायर सेटिस्फाई हो सकता है, 2 का स्क्वायर सेटिस्फाई हो सकता है। अब 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे, 2 3 6, देखो 4 6 से छोटा है तो इसमें छोटे वाली संख्या आपका आंसर होगी, तो इसका आंसर आपका 22 आएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इन्होंने बोला है कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती जितने के मोहल्ले मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं, यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो कुल उत्पाद कितने हैं। अब देखिए 5 का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो ये 25 का वर्गमूल ले लेंगे, हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं, तो उसके पास 25 और 5 30, इसका मतलब 30 आंसर होगा, क्योंकि 5 उत्पाद उसके बच जाते हैं। ठीक है जी हाँ, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक सेनानायक अपने सैनिकों को उतनी पंक्तियाँ बनाता है जितने की प्रति पंक्ति सैनिक, इस प्रकार से उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, यदि कुल 16 पंक्तियाँ बनी हों तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। देखो 17 पंक्तियाँ बनी थी तो 17 का वर्ग कर दीजिए, 17 का वर्ग आएगा 289। ठीक है, अब उसके पास 4 सैनिक कम पड़ गए थे, इसमें 4 माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 285। ठीक है, इसका मतलब उसके पास 285 सैनिक हैं, और वो क्या करता है, एक सेनानायक अपने सैनिक को उतनी पंक्ति बनाता है जिससे प्रति व्यक्ति सैनिक हों, उस प्रकार से 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, यदि कुल 17 पंक्तियाँ बनी हों तो उसके पास कुल कितने सैनिक हैं। देखिए 285 सैनिक हैं, अगर वो 17 17 हर किसी में रखता है तो 4 कम पड़ जाते हैं, इस तरीके से 285 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट हमारा 8 है, वर्गों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है हम लोगों का, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, ठीक है, उन संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 3400। देखो वर्ग की बात करें तो सीधी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 580 है, ये हमें मालूम है, हमको ए इंटू बी पूछा गया है ये बताना है, और ए प्लस बी हमको दे भी रखा है 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा हम ये समझ पाएँ कि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इतने का मान आपको मिलेगा 580 है, इतने का मान देखिए 34 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर आपका होता है 1156। ठीक है जी, और यहाँ पे आप जो है इसमें से 580 माइनस कर देंगे तो बराबर आपका 2ab आ जाएगा, फिर देखिए माइनस करेंगे 6 आएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 बचेगा, और यहाँ आपका 10, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। ठीक है, भाग दे देंगे 2 का, तो यहाँ से आप 2 2 4 और 2 8 16, 2 8 16, यहाँ से आप देखो ए भी पता कर पा रहे हैं 288। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हें आप इन्हीं से बनाएंगे तो बेस्ट होगा, जबकि देखिए ये आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है, ये और आसान है, जैसे बोला गया वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, ये तो आप निकाल पा रहे हैं, और अंतर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। तो अब आप क्या करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28, आप इनको जोड़ देंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 2a² बराबर 128, 2 से भाग दे देंगे, 2 6 12, 2 4 8, तो ए स्क्वायर बराबर आपको 64, ए बराबर आपको 8 मिल जाएगा। अब जैसे ए का मान मिल चुका है 8, तो ये देखिए आपको 6 मिल जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, और ऐसी संख्या चूज करो जिसका वर्ग 100 बना दे तो वहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका बी का मान 6 आ जाएगा, ओरल भी आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या और उसके वर्गों का योग 72 है, संख्या कौन सी है। एक संख्या कोई भी ले लीजिए एक्स और उसके वर्गों का योग 72 है, तो देखिए यहाँ पर आप 2 ऑप्शन बना सकते हैं, 8 ने 72, तो यहाँ पर आपका 8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या इसमें से निकालनी होगी, बड़ी संख्या नेगेटिव आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ जो है कि आपका एक तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, और जब इनके पास जब इनका ऑप्शन दिया जाता है ना एग्जाम में, जैसे कि एक संख्या 8,
अब देखिए 8 इसलिए मानेंगे 8 हो गई, और 8 का वर्ग हो गया 64, जोड़ोगे तो 72। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन से भी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से आसान है तो जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि आसान है तो ज़्यादा समय नहीं लगाना है। देखो घनों पर आधारित, अब देखिए ये रखा है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ पर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि आपका होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो ये वाला ब्रैकेट है ना, हमेशा नीचे वाले से कटेगा, तो ऊपर केवल ऐड होता है, तो हमेशा आप क्या करें, इनको जोड़ दिया करें। तो ये आपका आ जाएगा 0.5, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस के 0.1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्गमूल और घनमूल, ये बहुत अच्छा है, इसमें दोनों कंसेप्ट आपके चलेंगे। तो सबसे पहले आप वर्गमूल लेंगे, देखिए यहाँ से आपका 1 0, 2 0, 3 0, तो नीचे आपका 1000 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। फिर आप घनमूल लेंगे, ऊपर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ऊपर आपका 8 आएगा, क्योंकि वर्गमूल लेंगे 64 का वर्गमूल 8 आता है, फिर 8 का घनमूल 2 आएगा और इसका 10 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा 0.2। समझ गए होंगे, जैसे यहाँ देखो 729 का वर्गमूल लेंगे, 729 हो जाता है 27, और 1 2 3 नीचे आ जाएगा 1000, इसका ले लेंगे आप घनमूल, तो ये आपका 3 3 बटे 10, फाइनल आंसर आएगा 0.3, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तो बाकी के इन प्रश्नों को आप स्वयं लगा के देखिए, ठीक है, फिर आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बिल्कुल स्लो और आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 0 पॉइंट, लिख लेते हैं 0.121 का मान क्या होगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 3 0 आ जाएंगे, 1000 हो जाएगा, ऊपर का वर्गमूल आप जानते हैं 11 हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 10 अंडर रूट 10, क्योंकि 1000 का वर्गमूल 10 अंडर रूट 10 होता है। इसका आप ऊपर नीचे परिमेयकारी गुणक बना देंगे, रेशनलाइजेशन से बोलते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 11 × √10 / आपका आ जाएगा 10 × 10। तो यहाँ से देखिए ये आपका 1.1 × √10 का मान आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। अगर आप √10 का मान जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसे भाग विधि से कैलकुलेट भी कर सकते। जैसे देखिए हम लोग 10 का घनमूल निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का 3 का क्यूब सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 9, तो आप सेंस लगा सकते हैं कि ये 1.1 है और यहाँ पर 3 आएगा, तो लगभग आपका 3.3 आंसर आएगा, जो कि हमारा ई ऑप्शन सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपके 2 और 2 4 अंक हैं, तो नीचे वर्गमूल में आपका 100 आ जाना है, और ऊपर से आप जानते हैं 25 आएगा, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 होता है, जब आप 100 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25, और ये आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान है, इनमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए इसे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3, तो एक देखिए जो हम जोड़ा बनाते हैं उससे 1 0 वर्गमूल में आती है, तो यहाँ पे 3 0 आएंगी, मतलब 1000 आएगा, और ऊपर आपका 21 हो जाएगा, जब आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.021, क्योंकि दशमलव 3 अंकों से पहले लगेगा, इसमें सी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए 0.2, इसमें भी यही तरीका है, हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, आप 2 बटे √2 / 10 करेंगे हम लोग, तो पहले तो ये है कि ऊपर √2 अलग हो जाएगा और नीचे √10 हो जाएगा। √2 का मान आप सभी जानते हैं 1.414 होता है, और √10 का आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ऊपर आपका √10 चला जाएगा। आप क्या करेंगे फिर अगले स्टेप में, आप √10 का मान लगा देंगे, लगभग 3 आप मान लगा सकते हैं, नीचे 100 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3 चौक 12 की, 2 हाँ से ले, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12, 3 एकम 4, और लगभग भाग दे देंगे आप कितने से, 100 से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आप जब 100 से भाग देंगे तो 40, पहले दशमलव आपका यहाँ है ही, फिर आपका 0.04242 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप
जी हाँ, अब देखिए रूट टेन का मान हम लोग अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा स्टेप चलेगा क्योंकि हमें यहाँ पे मान मैच कराना है, इसलिए हमें पूरा मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने 3 3 9 किया, 3 3 9, इनको ऐड कर दिया, नीचे 1 आएगा, 2 0 आ जाएगी, ठीक है 3 पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग 1 टाइम तो जा ही सकते हैं, तो ये 61 हो जाएगा, ये आपका 62 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 और ये आपका 2 29 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके 2 0 आ जाएंगे, तो लगभग लगभग आप जो है ना यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपका 3.14, ये आया 10 का मान, ठीक है। तो 1.414 में 3.14 का आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 100 से क्या करना है, भाग देना है। 4 3 के समथिंग इसका मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ इसका पॉइंट लग जाएगा, फिर इसमें 100 से भाग देंगे तो ये आपका 0.44 के समथिंग आएगा। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, इससे आपका 10 बाहर आ जाएगा, ऊपर से 3, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.3, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका फिर से दे रखा है 0.9, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ऊपर का आप वर्गमूल इजीली वे में कर सकते हैं, 3 आ जाएगा, नीचे वही कहानी फिर से होनी है, 10 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर से जो हमें 10 का मान मिलेगा वो मिलेगा 3.14 और ये आपका 100 हो जाएगा। फिर हम यहाँ गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, ठीक है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.94, ये समथिंग हमारा आंसर बनेगा 0.94। तो ऐसे करके हमारे छठवें क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो हमारा बी आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए 900 है इसका, तो आपको इजीली 30 मिल जाएगा, और इसका देखिए 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर से 3 आ जाएगा, और यहाँ से 1 2 3 नीचे आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है, नीचे आपका 1000 आ जाएगा और ऊपर से आपका 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर 30 है और यहाँ पर ये आपका सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप ओरल आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा आपका 7वां क्वेश्चन था वैसे ही आपको 8वां क्वेश्चन करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और 9वां क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। ये 400 है तो यहाँ 20 आएगा, ठीक है, और फिर आपका ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ से आपका बनेगा 100 और ऊपर आपका 400 है तो 20 आ जाएगा, तो इस तरीके से फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000, ठीक है, और ऊपर आपका 2 आ जाएगा, आपका 20.2020। तो ऐसे करके सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को केवल आप देखें सही से, जैसे ही रखा है 409664, तो आप इनमें वही 0 मान के नीचे और स्वयं सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है, अंडर रूट 5/3। अब आप क्या करेंगे, इसका √3 का आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ऊपर देखिए हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 3, और 15 का आप देख रहे हैं 3.88 होता है, नीचे 3, 3 से भाग देंगे तो ये 1.3 × 6, ठीक है, ये 1.29, देखो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, इस तरीके से आंसर आएगा। तो जैसे हम लोगों ने 15 किया है वैसे आप 16 करेंगे, इस पे वर्गमूल लगाएंगे 5 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे। 17 हम लोग फिर से नहीं करेंगे क्योंकि 17 वाले क्वेश्चन वही हैं, नीचे पॉइंट हटा के और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ये तो बहुत सरल है, ये देखिए हम लोग जोड़ा बना करके बाहर कर लेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपके 3 0 आ जाएंगे नीचे और ऊपर आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 25 चौका 100 40 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 4 बार, नीचे 10 बार, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.4, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर का प्रश्न है, अभी अभी हम लोगों ने 1.29 किया ही था, ये हमारा आंसर था। 20 नंबर का प्रश्न हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों का ये वैल्यू दे रखा है, 13 का मान दे रखा है, 130 का दे रखा है, तो हमें इनमें क्या करना है, सभी में पॉइंट हटा के वैल्यू लगा लेनी है। तो 21 भी हमारा उसी लेवल का है, तो इस आसान क्वेश्चन है, इन पर ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे नहीं। देखिए अब हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसे लिख लेते हैं। अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 441 इज इक्वल टू 0.02,
देखो ऊपर तो आप अंडर रूट एक्स ही रहने दीजिएगा, नीचे का आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, और 0.02। अब देखिए आप यहाँ पे गुणा करेंगे एक्स, तो 21 दूनी 42, 0.42 हो जाता है, और जब आप एक्स निकालेंगे तो 0.42 का होल स्क्वायर। अब 42 का होल स्क्वायर आप देखेंगे तो ये आपका होता है 1764, ठीक है। अब आपका दशमलव लगेगा तो ये आपका आ जाएगा 0.1764, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे आंसर हमारा बनेगा 0.1764, ठीक है। तो इस तरीके से 23 का हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करते हैं। देखिए ये आप हमारा अंडर रूट में रखा हुआ है, अंडर रूट एक्स मान लेते हैं, और 19 का गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 19 चौक हो जाता है 76, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे तो 76 का हम लोगों को वर्ग कर देना है, ठीक है। तो जो 76 का एक्स का मान निकालेंगे तो 76 का वर्ग करेंगे तो 76 का वर्ग आएगा वो आएगा 5776, है ना। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए 25 नंबर का प्रश्न है। पहले 14 को ट्रांसफ़र करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1694/x इज इक्वल टू, ये आपका 11 बचेगा। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1694/x इज इक्वल टू 121, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, और आपका हो जाएगा यहाँ से बचेगा आपका 5 11 5 जा 55 11 4 जा 11 से कट जाएगा 11 बार, फिर 11 से काट देंगे 11 1 जा 11 4 जा, तो एक्स का मान यहाँ से मिलेगा आपको 14, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 तक के क्वेश्चंस लगा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट पूरा कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।